हेलो दोस्तों, वेलकम टू MotorOctane। आज हम चलाने वाले हैं Datsun Go प्लस 2018। इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। क्या ये वाकई में कंसिडर करने लायक है गाड़ी या नहीं? मैं हूं आपका होस्ट अर्चित हिरानी। मैं आया हूं चेन्नई में और यहां पे बहुत हवा चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द गो प्लस। Datsun Go Plus काफ़ी समय पहले लॉन्च हुई थी, 2014 एंड में इसका हमने रिव्यू किया था आपके लिए। और अब आप इस गाड़ी को देखेंगे ना, तो अंतर ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इसे बॉनेट जो है, ये पार्ट जो है ना, ये प्लास्टिक है और ये देखिए ये मेटल है। तो ये एक ऑडियो में क्लियरली डिफरेंस आता है। और इसके हेडलैम्प्स रेगुलर वाले हैं। जो चीज़ नया ऐड किया है वो है यहाँ पे, विच इज़ द डे टाइम रनिंग एलईडी। इस गाड़ी में फाइनली डे टाइम रनिंग एलईडी दे दिया, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कूल एंड अपीलिंग लग रही है। ओवरऑल फ्रंट वैसा ही है जैसे पहले था। इसे ट्रैपेजॉइडल फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है विथ क्रोम सराउंड्स। एंड जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं तो साइड में भी इसमें माइनर ट्विक्स किए गए हैं। जो मेजर चेंजेस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आया है वो है, इसको 14-inch अलॉय व्हील्स मिल गए हैं। पहले गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स नहीं आते थे। गाड़ी की लेंथ 4 मीटर की है और फिर भी ये 5+2 सीटर है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ विथ होंडा अमेज, मारुति ब्रेजा और साथ में ह्यूंडई i20, क्योंकि इसकी साइज उतनी ही है। इसे रूफ रेल्स दिए हुए हैं जो प्रिटी कूल लग रहे हैं और इसमें एक अच्छा स्टाइलिंग फैक्टर ऐड किया है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है एंड द कार ऑफर्स गुड इनफ रूम टू क्लियर बैड रोड्स। मतलब हम जो खराब रास्ते से अभी तक चल के आए, एक भी बार कभी भी टच नहीं हुई। इनफैक्ट जब मैंने गो प्लस भी चलाई थी 4 साल पहले, तब भी वो गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई थी अंडर द फ्लो। तो ये एक उसका बहुत बड़ा प्लस है कि ये खराब रास्तों पे भी काफ़ी अच्छी चलती है। गाड़ी का अगर आप रियर देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पे स्पॉइलर नहीं आता है और वाइपर आ गया है पीछे, और साथ में आपको वॉशर भी मिलता है इसमें। एंड जो ओवरऑल स्टाइलिंग है वो सिमिलर है जैसे पहले थी। तो डिज़ाइन इज़ वेरी बेसिक, इट्स नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है। और यहाँ पे बम्पर पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं। बम्पर इज ओके इन क्वालिटी। तो ओवरऑल इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर में इज समथिंग ओकेश, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। ये एक एरिया है जहाँ पे मैं चाहता था इसमें इम्प्रूवमेंट हो। एक मेजर इम्प्रूवमेंट इसमें यह आया कि हर मॉडल में आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे विथ ABS एंड EBD। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं। Datsun Go Plus के अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो ये पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि पहले से क्या बेहतर हुआ है, मैं ओवरऑल बताता हूँ ये कैसा है। अब फर्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है बिल्ड क्वालिटी। डोर जो है थोड़ा हॉलो फील होता है फॉर सम रीज़न, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। इसका जो फिट एंड फिनिश आप देखेंगे, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स देखेंगे, वो काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कोई Datsun Go के लिए, Go Plus दोनों मॉडल्स के लिए, बिकॉज दिस हैज नेवर फेल्ट दैट वे। बेज या जो ऑफ वाइट कलर दिया हुआ है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। जो सीट्स हैं इस पर फिक्स्ड हेडरेस्ट है, दिस इज़ समथिंग जो मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, बिकॉज आई प्रेफर एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर माई सेल्फ, मेरी हाइट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे थोड़ा कंफर्ट कम मिलेगा। बट सीट का कंफर्ट इज डिसेंट फ्रंट रो के लिए, थोड़ा और कुशनिंग इसमें दिया जा सकता था फॉर श्योर। डोर पे भी आप नोटिस करेंगे ना, तो जो हैंडल है उस पे भी अच्छा खासा सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। सेंटर कंसोल जब आप गाड़ी का देखेंगे तो यहाँ पे न्यू AC वेंट्स दिए हुए हैं जो एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। वो राउंड वाले जो आते थे वो हटा दिए गए हैं। पहले Go Plus में दोनों में आपको मोबाइल डॉकिंग यूनिट आता था, जो आज के तारीख के लिए काफ़ी आउटडेटेड है, और अब फाइनली इसमें टच स्क्रीन सिस्टम आ गया है। ये टच स्क्रीन सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे पॉइंट आउट किया है। आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है एंड ये जो कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी चेंजेस किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अभी आपको टैकोमीटर आता है और बाकी सब जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो लुक एंड फील ऑफ टैकोमीटर है वो पहले से अच्छा हो गया। इनफैक्ट द होल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब पहले से ज़्यादा बेहतरीन लगने लगा है। इसका स्टीयरिंग व्हील में आपको एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे नथिंग, सो नो हाइट एडजस्टमेंट, नो रीच एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें। आपको स्टोरेज स्पेसेस डिसेंट है, आगे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं गियर बॉक्स के नीचे, और पीछे की तरफ आपके पास एक
कप होल्डर है फॉर योर पैसेंजर्स. डोज में भी आप एक एक लीटर की बॉटलें डाल सकते हैं. ये म्यूजिक सिस्टम की मैं कहानी खत्म करना भूल गया, वो ये है कि इसमें केवल दो स्पीकर्स आते हैं, नॉट फोर. और साथ में आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, द रेगुलर एसी कंट्रोल्स दिए हुए हैं. अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी का सेकंड रो कितने कंफर्टेबल है. अब गो प्लस की सेकंड रो सीट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, दे आर मोर लाइक बेंच. ये बॉटल मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे एक लीटर की बॉटल जस्ट फिट आ जाएगी. स्पेस इज ठीक है, नॉट दैट बैड, जस्ट मेरा पैर टच नहीं हो रहा है. हेडरूम काफ़ी है गाड़ी में ऑन द टॉप, पर कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है, एकदम बेंच लाइक फील हो रहा है मुझे. हेडरेस्ट नहीं है तो मुझे एकदम झुक के बैठना पड़ेगा अगर मुझे हेडरेस्ट चाहिए, वरना आई हैव टू सिट वेरी स्ट्रेट. और तीन लोगों का बैठना थोड़ा टाइट हो सकता है. अब तीन जना बैठ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर कंफर्ट नहीं है. मतलब स्पेस का कंफर्ट है पर सीट का कंफर्ट नहीं है. अब ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए फोकस थोड़ा कम दिया गया है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जो देनी चाहिए थी, होती कुशनिंग. इस सीट को ज़्यादा कुशनिंग की ज़रूरत है एंड विच इज़ क्लियरली मिसिंग. अब अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ इस गाड़ी की, तो पीछे जाके मैं दिखाता हूँ अभी आपको. अब अगर थर्ड रो की सीट्स खोलनी है तो इट्स वन फोल्ड. एक चीज़ मैं आपको बताने ही भूल गया कि जो डोर है पीछे के, उसमें कुछ भी स्टोरेज स्पेस नहीं है. और अब अगर मुझे अंदर जाना है चढ़ के, तो ये और एक फोल्ड एक्चुअली होता है और इस तरीके से मैं थर्ड रो में गया. अब देखिए, इसको मैं वापस उठा दूंगा तो जगह मेरे लिए बहुत टाइट. अभी भी मैंने सीट लॉक नहीं की और मेरे पास ना सर रखने के लिए जगह है ना पैर रखने के लिए, तो कुछ ऐसे करके बैठ सकता हूँ, वो भी यहाँ पे ये आता है. तो ये केवल बच्चों के लिए जगह है, इस वजह से इसे कहते हैं 5+2 सीटर. अब समझते हैं बूट में कितनी स्पेस है गाड़ी की. अब जब आप इस गाड़ी का बूट खोलने जाएंगे तो आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अंदर से लीवर है. बूट स्पेस गाड़ी की काफ़ी लिमिटेड है जब ये सीट रेज्ड है. मेरा हाथ भी मुश्किल से अंदर जाता है, दैट्स फेयरली मिनिमल स्पेस. पर सीट फोल्ड होती है और देखिए, मैं जब उतरा तो मैंने वो पीछे की सीट भी फोल्डेड रखी थी, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है जबकि फुल फ्लैट नहीं. और आप एक लंबा कुछ लेके जा सकते हैं अपने साथ गाड़ी में, काफ़ी कुछ, जिससे ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है. मेरा सोचना ये है कि इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए कि ये लास्ट के रो सीट्स निकाल दिए जाएँ जिसको यूजेज नहीं है. मेरे केस में जैसे अगर मुझे 5 लोग जाते हैं मेरे गाड़ी में और मुझे ज़्यादा सामान ले जाने की आदत है, तब ये सिचुएशन मेरे लिए परफेक्ट रहती है. और जैसे ही सीट्स बाहर आ जाती है, स्पेस यूटिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. अब चला के देखते हैं इस गाड़ी को, देखने इसमें क्या अलग है. अब हम चला रहे हैं डैटसन गो प्लस. गाड़ी में आपको इंजन वही आता है 1.2 लीटर का, क्लोज टू अंडर 70 bhp ऑफ पावर, 5 स्पीड मैनुअल. अब इसका गियर बॉक्स पहले से ज़्यादा हार्ड हो गया है और फर्स्ट दो गियर्स काफ़ी हार्ड लग रहे हैं. क्लच इज़ ओके, बट जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी हार्ड फील हो रहा है इस गाड़ी का. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी बढ़िया एक्सेलरेशन मिलता है इसमें. लेकिन जो इंजन का नोट है ना, दैट्स समथिंग वर्थ लिसनिंग, क्योंकि एट 6000 rpm ये काफ़ी स्वीट साउंड करता है. और इसका जो एसी है, एसी इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड फ्रंट रोज के लिए, पर सेकेंड रो में थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी. अब अगर मैं इस इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो आपको इससे ज़्यादा बड़ा इंजन की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है. पिकअप भी अच्छा है, गियरिंग भी काफ़ी वेल डन है. और जो इसका अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, तो यहाँ पे हर गियर पे क्या स्पीड पे शिफ्ट करना है वो भी दिया हुआ है. पहले गो प्लस में आपको, ना ही गो में आपको टैकोमीटर आता था, अब टैकोमीटर भी दे दिया गया इस गाड़ी में, विच मेक्स इट अ लॉट बेटर. ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग और राइड क्वालिटी ठीक है. हैंडलिंग के मामले में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता बिकॉज वी आर नॉट ड्रिवन इट मच ऑन ट्विस्टी रोड्स, पर ठीक लग रही है इसकी हैंडलिंग. ओवरऑल गाड़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी ईज ऑफ ड्राइविंग, खास करके सिटी में, जिसके लिए ये बनाई गई है. अब जबकि इसका इंजन सेम 1.2 लीटर का है जो गो में आता है, बट स्टिल यू डू नॉट फील एनी टाइम कि आपको और पावर की ज़रूरत है. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया है गाड़ी. अब
सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। अब इस गाड़ी में आपको 2+3 ईयर्स का वारंटी आता है, यानी कि 5 ईयर्स की टोटल वारंटी ऑफर की गई है और ये काफ़ी फीचर लोडेड कार हो गई है। पहली चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो ये है कि इसमें 2 एयरबैग्स ABS प्लस EBD अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है अक्रॉस द रेंज। अगर आपके पास 7 मेंबर्स है आपके घर में जो इस गाड़ी में जाना चाहते हैं और उसमें से 2 बच्चे हैं, तब ये गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। वरना अगर आपको चाहिए एक हैचबैक जिसमें आपको ज़्यादा बड़ी बूट चाहिए, देन अगेन दिस इज़ अ गुड चॉइस टू सी, क्योंकि आज के तारीख में 7 सीटर में आपके पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है मार्केट में और ये बजट में आपके पास एट द मोमेंट ये ही एक चॉइस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए टू द MotorOctane YouTube चैनल और ज़रूर हमें बताइए कि आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे या नहीं, या आप रुकेंगे कोई और 7 सीटर ऑप्शन के लिए। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।